नमः शिवाय। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष शुक्रवार पूर्णिमा तिथि दिन में 11:09 तक लगी रहेगी। तत्पश्चात प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चंद्रमा कृतिका नक्षत्र में शाम 4:41 तक चलते रहेंगे। तत्पश्चात रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। कृतिका नक्षत्र के नक्षत्र स्वामी सूर्यदेव हैं। आज के जन्मे जातक सुंदर, तेजस्वी, प्रसिद्धि पाने वाले, विद्वान, उच्च अधिकारी और विद्याव्यसनी होते हैं। ऐसे जातक मजबूत शरीर वाले, हमेशा ही उन्नति की तरफ बढ़ने वाले, युद्ध कला में प्रवीण, नेतृत्व करने की क्षमता वाले, तर्क करने में निपुण, कानून के पालन करने वाले और उच्च अभिलाषी होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा शुक्र और सूर्य की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। चंद्रमा आज पूरे दिन वृष राशि में ही चलते रहेंगे, जिसके राशि स्वामी शुक्रदेव हैं। आज के चंद्रमा पर सूर्य, बृहस्पति और बुध की सप्तम दृष्टि कायम रहेगी, जिससे हर्ष और उत्साहित महसूस करेंगे। हर कार्य के प्रति रचनात्मक सक्रियता और सकारात्मक प्रेरणा बनी रहेगी। साथ ही सहयोग और अधिकारियों की मुख्य भूमिका होगी, जिससे लाभ मिलेगा। मंगल की चतुर्थ दृष्टि मेहनत और संघर्ष करने की प्रवृत्ति को बढ़ाने वाली होगी और केतु की पंचम दृष्टि उन्नति कारक और विजय दिलाने में सहायक होगी। मगर कभी कभार मन में नकारात्मक विचारों का दौर भी आता रहेगा, मगर आपके प्रयासों में कमी नहीं आएगी और हर कार्य करने में सफल महसूस करेंगे। आज का दिन परम पावन पूर्णिमा का दिन है। विशेष तौर से कार्तिक पूर्णिमा बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है, जिस पर शुक्रवार का दिन, जिसका संबंध माता महालक्ष्मी से भी है, इस दिन को देव दीपावली के नाम से मनाया जाता है। आज के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करना, जप करना, हवन दान इत्यादि करने का विधान है। यदि किसी नदी में स्नान करने का मौका नहीं मिल पा रहा है तो घर में ही स्नान करने वाले जल में गंगा जल को डालकर स्नान करना चाहिए। विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें, अथवा यदि आपने गुरु दीक्षा ली हुई है तो बहुत ही अच्छा है। गुरु मंत्र का जप करना महान पुण्य फलदायक होगा। इससे सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिलती है और मार्ग निष्कंटक होता है। इस दिन के किए गए धार्मिक कार्य, अनुष्ठान, जप या दान का शुभत्व कई गुना बढ़ जाता है। यदि किसी की कुंडली में बृहस्पति ऋणात्मक प्रभाव में है या नीच के हैं या अशुभ कारक हैं, ऐसी स्थिति में भगवान विष्णु की यथाशक्ति पूजा अर्चना से बृहस्पति के दुष्प्रभावों में कमी आती है और बिगड़ते हुए काम बनने शुरू हो जाते हैं। आज हम मीन राशि के जातकों के लिए कुंभ के मंगल के शुभ, अशुभ और दुष्प्रभावों की चर्चा करेंगे। कैसा रहेगा मीन राशि के जातकों के लिए कुंभ के मंगल का प्रभाव? मीन राशि के राशि स्वामी बृहस्पति देव हैं, जो कि आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, मगर अभी सूर्य के साथ होने की वजह से अस्त हैं और मंगल आपके व्यय भाव में चल रहे हैं, जिसकी चतुर्थ दृष्टि आपके तीसरे भाव पराक्रम भाव पर पड़ रही है। सप्तम दृष्टि आपके शत्रु या रोग भाव पर पड़ रही है और अष्टम दृष्टि सातवें घर पत्नी भाव पर पड़ रही है, जिससे वाद विवाद संबंधी मामलों में उलझने की स्थिति बनती है। संबंधित मामलों में अपव्यय भी हो सकता है। अनावश्यक यात्रा और व्यर्थ के भ्रमण की स्थिति भी सामने आ सकती है। बंधु बांधवों से मतभेद और वाद विवाद भी संभव है। हालांकि आपके प्रयासों को बल मिलेगा, पराक्रम साथ देगा और सकारात्मक कार्य ऊर्जा बनी रहेगी। स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं भी संभव हैं। आँखों में एलर्जी और संक्रमण का अंदेशा बनता है। साथ ही चोट चपेट लगने का और पारिवारिक वाद विवाद और पत्नी से मतभेद की संभावना भी बनी रहेगी। परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए धैर्य और संयम रखना आवश्यक होगा। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वाद विवाद की स्थिति बढ़ने न पाए। क्या उपाय करने चाहिए जिससे स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों में कमी आए और संबंधों में मधुरता बनी रहे? केले के पौधे में रोज जल डालें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, रोज संभव ना हो तो बृहस्पति वार को अवश्य करें। सूक्ष्म जीवों के लिए आटे में शक्कर मिलाकर यथास्थान रखें और शिव चालीसा और हनुमान चालीसा का पाठ रोज करें। आरोग्यता मिलेगी और संबंधों में मधुरता कायम रहेगी। मेष राशि के जातकों के लिए आत्मविश्वास और कार्य क्षमता में उतार चढ़ाव का संकेत मिलता है। हालांकि रचनात्मक क्रियाशीलता और वाणी की तेजस्विता में वृद्धि होगी। धन लाभ प्रचुर मात्रा में संभावित है। नई कार्य योजनाओं की निरंतरता बनी रहेगी और विशेष उपलब्धि हासिल करेंगे। निजी निवेश की योजनाओं में रुकावट हो सकती है।
मगर साझेदारी लाभदायक रहेगी और शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। विद्यार्थियों को अध्ययन अध्यापन में सफलता मिलेगी और प्रयास सार्थक होंगे। वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। वृष राशि के जातकों के कार्य क्षेत्र में रुकावट, अनावश्यक खर्च और अनचाही यात्रा की संभावना बनती है, मगर अत्यधिक क्रियाशीलता, रचनात्मक प्रवृत्ति और प्रतियोगी भावना से आपके हर कार्य संपन्न होंगे। निजी निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल है। आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता रहेगा, मगर कुछ योजनाओं के प्रस्ताव लागू होने में विलम्ब की संभावना भी बनती है। साझेदारी के कामों में मदद मिलेगी। स्वास्थ्य के प्रति चिंता संभावित है। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। अध्ययन अध्यापन में प्रयास जारी रखें और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। मिथुन राशि के जातकों के निजी व संतान संबंधी मामलों में निवेश की संभावना बनती है। कार्य क्षेत्र में रचनात्मक सक्रियता बनी रहेगी और साझेदारी के कामों में लाभ संभव है। नए प्रस्तावों के लिए समय अनुकूल है। शासन सत्ता व अधिकारियों की प्रेरणा मिलती रहेगी। पारिवारिक तालमेल बना रहेगा। निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे। वैवाहिक प्रस्तावों में सफलता मिलेगी, मगर अनावश्यक खर्च, अनचाही यात्रा और स्वास्थ्य संबंधी मामलों में उतार चढ़ाव का संकेत भी मिलता है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। प्रयास जारी रखें और वाहन सावधानी से चलाएं। कर्क राशि के जातकों के लिए आर्थिक, सामाजिक और कार्य क्षेत्र में बल मिलेगा और मन मुताबिक सफलता मिलती जाएगी। माता से भी आर्थिक सहयोग संभव है। प्रगति के मार्ग प्रशस्त होंगे। नई कार्य योजनाओं के लाभदायक प्रस्ताव सामने आएंगे और आर्थिक पक्ष को सुदृढ़ करने की मानसिकता बनी रहेगी। पारिवारिक दायित्व की पूर्ति में आर्थिक निवेश संभव है। स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर ध्यान रखना चाहिए। पारिवारिक तालमेल में कमी और संतान संबंधी चिंता संभावित है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मेहनत वाला होगा। शिक्षा प्रतियोगिता में प्रयास जारी रखें और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन रुके हुए कार्यों को संपन्न कराने में सहयोग करेगा। कार्य क्षेत्र के प्रयासों में सरकारी सहयोग जारी रहेगा और उत्थान की मानसिकता बनी रहेगी। सरकारी कामकाज पूरे होंगे और धैर्य से पूरे दिन की गतिविधियों में व्यस्त रहेंगे। एक साथ कई काम करने पड़ सकते हैं, मगर आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा। कुछ कामों में विवाद या विरोध की संभावना भी बनती है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा। अध्ययन अध्यापन में सफलता की उम्मीद बनती है और वैवाहिक मामले अनुकूल रहेंगे। कन्या राशि के जातकों को आर्थिक और व्यावसायिक क्षेत्र में मदद मिलेगी और भाग्यवश काम अच्छे होंगे। निजी संबंधों में निकटता आएगी और पारिवारिक सुख सौहार्द में वृद्धि होगी। मौसम संबंधी संवेदनशीलता और अनचाही यात्रा का संकेत मिलता है, मगर साझेदारी के काम लाभदायक सिद्ध होंगे। नई कार्य योजनाओं में सफलता मिलेगी और आर्थिक लाभ मन मुताबिक बना रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। अध्ययन अध्यापन में प्रयास जारी रखें। वैवाहिक मामले आज के लिए अनुकूल रहेंगे। धार्मिक भावना में वृद्धि होगी और देव दर्शन के योग बनते हैं। तुला राशि वाले जातकों के दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र में विकास होगा और नई कार्य योजनाएं सफल होंगी। साझेदारी लाभदायक रहेगी और नए निवेश का योग बनता है। संबंधित मामलों में छोटी यात्रा या प्रवास की स्थिति संभावित है। स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं में सुधार होगा। आर्थिक लाभ के साथ साथ अनावश्यक यात्रा का योग बनता है। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। निजी संबंधों में निकटता आएगी। विद्यार्थियों के प्रयास सार्थक होंगे। अध्ययन अध्यापन में सफलता मिल सकती है और वाहन सावधानी से चलाएं। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए कार्य क्षेत्र में विस्तार होगा और अधिकारियों का सहयोग बरकरार रहेगा। नई कार्य योजनाओं में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा और लाभदायक प्रस्ताव सार्थक होंगे। आर्थिक मामलों में आज का दिन सामान्य रहेगा। हालांकि आपका उत्साह और दृढ़ इच्छा शक्ति व्यावसायिक लाभ बढ़ाने वाले होंगे, मगर काम करने में असंतुष्टि भी महसूस होगी। वैवाहिक मामलों के लिए आज का समय अनुकूल रहेगा। विद्यार्थियों को सफलता मिल सकती है। अध्ययन अध्यापन में प्रयास जारी रखें और मन में नकारात्मक विचारों को ना लाएं।
धनु राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी सावधानी रखनी चाहिए। व्यर्थ के प्रयास, व्यावसायिक अवरोध और विचारों में मतभेद का संकेत मिलता है। हालांकि सकारात्मक प्रयास और दृढ़ इच्छा शक्ति बरकरार रहेगी और कार्य क्षेत्र में मन लगेगा। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, मगर वाद विवाद और उलझाव की स्थितियों से बचना चाहिए। चंद्रमा की स्थिति छठवें भाव में नकारात्मक विचारों को जन्म देगी। परिस्थितियों के अनुसार सामंजस्य बिठाकर आज के दिन चलना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता संभावित है, प्रयास जारी रखें। मकर राशि के जातकों को धैर्य और संयम से काम लेना चाहिए। वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। कुटुंबियों से कुछ परेशानी और मानसिक दबाव संभावित है, मगर नेतृत्व करने की क्षमता का विकास होगा और कुछ मामलों में उत्साह, कार्य ऊर्जा में वृद्धि के साथ साथ महत्वपूर्ण निर्णय लेने में बुद्धि कौशल और दृढ़ विश्वास की स्थिति बनी रहेगी और कार्य क्षेत्र में उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। नई कार्य योजनाओं में अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। संतान संबंधी शुभ समाचार मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा और प्रयास सार्थक होंगे, मगर मौसम की जटिलताओं से सावधानी अपेक्षित है। कुंभ राशि के जातकों के लिए निजी सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी और व्यावसायिक संसाधनों में निवेश का योग बनता है। कार्य क्षेत्र में बढ़ रही जिम्मेदारियां पूरी होंगी और मानसिक संतुष्टि बनी रहेगी। हालांकि नई कार्य योजनाओं में अधिकारियों का सहयोग भी कायम रहेगा। धन संबंधी मामलों में आज का दिन सामान्य रहेगा। समयानुसार लाभदायक प्रस्ताव आते रहेंगे। साझेदारी सफल रहेगी, मगर सारे व्यावसायिक कार्यों में सावधानी अपेक्षित है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता संभावित है और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। मीन राशि के जातकों के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति बढ़ी रहेगी और रचनात्मक प्रयासों का दौर जारी रहेगा। कार्य क्षेत्र की निरंतरता बनी रहेगी और आर्थिक लाभ में सहयोग मिलेगा। बौद्धिक सक्रियता, निजी संपत्ति में वृद्धि, रुकते हुए कामों और धन संबंधी मामलों में उपलब्धि का संकेत मिलता है, मगर स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर भी ध्यान देना चाहिए। संतान संबंधी चिंता में कमी आएगी और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन उत्साहजनक रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में प्रयास जारी रखें और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।